हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर BSCAG फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो कोर्स है, इसमें हम लोगों ने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, ये उसी के कंटिन्यूएशन में आज थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके वीडियोस यूट्यूब पे चैनल पे पड़े हुए हैं। आप चैनल पर जा कर के वहाँ से वो वीडियोस देखिएगा। वैसे ये कोर्स के सारे टॉपिक्स लगभग हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये फिर से वीडियोस के थ्रू हम इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर जो आपका सिलेबस है, इसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, इसको वन बाय वन हम लोग फिर से रिवाइज़ करेंगे। तो ये जो लेक्चर थर्ड है, जिसमें आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है क्लाइमेट एंड सॉइल फॉर दी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। मीन्स जो औद्यानिक फसलें हैं या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, उनको किस तरह की क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट और वेदर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें मतलब हैं क्या। हाँ, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कभी हम क्लाइमेट की बात करते हैं, कभी हम वेदर की बात करते हैं। तो क्लाइमेट एक्चुअली क्या है और वेदर कंडीशन एक्चुअली क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको थोड़ा समझते हुए फिर आगे देखेंगे कि कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन या सॉइल कंडीशन हॉर्टिकल्चर क्रॉप को कैसे प्रभावित करती है। क्लाइमेट को जनरली अगर डिफाइन किया जाए तो ये कहा जाता है द होल ऑफ एवरेज एटमॉस्फेरिक फेनोमिना फॉर ए सर्टेन रीजन कैलकुलेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। क्लाइमेट जो होता है वो किसी एक दिए हुए क्षेत्र का, किसी एक निश्चित दिए हुए क्षेत्र में, एक बड़े क्षेत्र में लगभग 30 सालों तक जो भी एटमॉस्फेरिक फेनोमिना, एवरेज एटमॉस्फेरिक फेनोमिना हम देखते हैं या हमें देखने को मिलता है, जैसे कि वहाँ पर सनलाइट की अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर की जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, मींस मिनिमम मैक्सिमम कितना जाता है, ह्यूमिडिटी ईयर राउंड जो है कितना मिनिमम मैक्सिमम होती है, रेनफॉल की कंडीशन ईयर राउंड कितनी होती है, विंड कैसी होती है, ये सारी चीज़ें लगभग 30 साल तक के लिए जब ऑब्ज़र्व हम करते हैं और फिर हम ये गणना करते हैं कि 30 साल तक इस दिए हुए क्षेत्र में इतना टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम जाता है या इतनी सनलाइट अवेलेबिलिटी रहती है, उस आधार पे हम उस दिए हुए क्षेत्र को बाकी क्षेत्र से अलग करते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि ये इस पर्टिकुलर एरिया का ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कि मेजर जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन्स। तो अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें तो हम ट्रॉपिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रीजन है, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो क्षेत्र है, जो रीजन है, उस रीजन की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, मतलब मीन्स जो भी एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उसको 30 ईयर्स के लिए ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर कितना मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जाता है। जैसे कि जो है टेम्परेचर की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन में मिनिमम टेम्परेचर 20 या 18 डिग्री के आसपास जो है रहता है और मैक्सिमम जो है 30 के आसपास, मींस इसी के इसी टेम्परेचर रेंज के बीच में फ्लक्चुएशन होता रहता है। बहुत ही एक्सट्रीम हॉटनेस वहाँ नहीं पाई जाती है और ना ही बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड वहाँ पाया जाता है। विंटर्स वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं पाई जाती हैं, रेनफॉल सफिशेंट होती है, है ना, रेनफॉल सफिशेंट होती है, ईयर राउंड होती है, ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी फैक्टर्स बताते हैं कि इस तरह की क्लाइमेटिक, इस रीजन में इस तरह के जो है क्लाइमेटिक फैक्टर्स इस तरह से पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये ट्रॉपिकल रीजन है। फिर उसी तरह से सब ट्रॉपिकल की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि सब ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ विंटर्स देखने को मिलती हैं, यानी टेम्परेचर और ज़्यादा बिलो 15 डिग्री से भी नीचे जाता है, इवन कुछ दिनों के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड के भी नीचे जा सकता है विंटर्स में, और समर्स में अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जाता है। मींस टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, जो फ्लक्चुएशन है, वो काफ़ी रेंज तक जाता है। मींस समर्स में यहाँ काफ़ी ज़्यादा हॉटनेस होती है और विंटर्स में यहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जो कि ट्रॉपिकल रीजन के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग तरह का है।
तो हम इस बाकी जो ट्रॉपिकल क्षेत्र से जो अलग बाकी जहाँ पर ऐसी कंडीशन पाई जाती है हम उसे कहते हैं ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। और ये ऑब्जर्वेशन लगभग 30 सालों तक रखा जाता है। इसी आधार पर हम बड़े बड़े क्षेत्रों को क्लाइमेटिक जोन्स में हम डिवाइड करते हैं। वहाँ की सनलाइट, वहाँ की टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड वेलोसिटी, इन सारी चीज़ों की गणना करके तब हम कहते हैं कि ये क्लाइमेट है। और ये जल्दी नहीं बदलता है। किसी क्षेत्र में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो जल्दी नहीं बदलती है, कई वर्षों तक वो एज इट इज़ रहती है। उसी के कंपैरिजन में वेदर की बात की जाए तो वेदर हर क्लाइमेटिक रीजन में जो डे टू डे चेंजेस होते हैं, चाहे वो ट्रॉपिकल रीजन हो, चाहे वो सब ट्रॉपिकल हो, चाहे टेम्परेट हो, चाहे एरिड रीजन हो, हर क्लाइमेटिक रीजन में जो डेली का जितने भी एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं उनमें डेली जो उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है, जो डेली फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन विद इन दैट रेंज, सपोज दैट कि ट्रॉपिकल रीजन का जैसे टेम्परेचर हम मानते हैं कि 15 to 30 के बीच में है, तो 15 to 30 के बीच में डेली जो भी फ्लक्चुएशंस हम देखने को मिलते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, कभी बहुत कम, उसी ट्रॉपिकल रेंज में, उसे हम बोलते हैं वेदर। वेदर है ना, डेफिनेशन में लिखा हुआ है वेदर इज़ ए डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी प्लेस रिगार्डिंग टू टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो ये अंतर है क्लाइमेट और वेदर में। वेदर टेम्परेरी फिनोमिना है, ये एक टेम्परेरी चेंज है क्लाइमेट में, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए, जबकि क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म बने रहने वाला कंडीशन है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वेदर और क्लाइमेट को। वेदर की बात करें तो वेदर डे टू डे एटमॉस्फेरिक चेंज है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जबकि क्लाइमेट ये एवरेज वेदर कंडीशन है किसी स्पेसिफिक रीजन की फॉर मोर देन 30 ईयर्स, लगभग 30 सालों तक एक पर्टिकुलर टाइप की जो वेदर कंडीशन या एटमॉस्फेरिक कंडीशन हम देखते हैं वो उस क्षेत्र की क्लाइमेट कहलाती है, जलवायु कहलाती है। ठीक है, फिर वेदर की अगर बात करें यानी मौसम, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मैंने भी बताया कि बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, कुछ मिनट के लिए भी होता है, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए भी ये बदलता है, जबकि क्लाइमेट लॉन्ग टर्म एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो कि दशकों तक आपको देखने को मिलती है। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि किसी क्लाइमेटिक रीजन में जो उसके सब रीजन्स हैं वो वहाँ पर भी आपको अलग अलग जगह वेदर कंडीशन देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि वेदर चेंज होगा तो उस पूरे क्लाइमेटिक रीजन में पर डे जो भी जैसा पर डे एक जैसा मौसम हर जगह चेंज होगा, ऐसा नहीं है। जो क्लाइमेटिक रीजन होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे इंडिया में जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें कई स्टेट्स आते हैं, है ना, हमारे साउथ के कई स्टेट्स आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि साउथ के हर स्टेट में रोज़ का जो मौसम है या वेदर है वो सेम होगा, ऐसा नहीं है। ये लोकेशन वाइज होता है, लोकेलिटी वाइज होता है और लोकल एटमॉस्फेरिक फिनोमिना की वजह से होता है। तो एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको जगह, एक ही क्लाइमेटिक जोन में आपको अलग अलग जगह अलग अलग तरह की वेदर कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। वेदर जो होता है, मौसम जो होता है, इसका जो प्रभाव पड़ता है वो हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी पे पड़ता है, जैसे हमारा ऑक्यूपेशन यानी हम जो भी काम करते हैं, रोज़गार करते हैं, उस पर असर देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रभावित होती है, कम्युनिकेशन प्रभावित होता है मौसम के बदलने से, लेकिन क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट होता है उसका असर हम अपनी कहाँ देखते हैं, वो हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। मीन्स क्लाइमेट डिसाइड करता है कि किस तरह की एग्रीकल्चर उस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन में होगी। जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक में किस तरह के फसलों की खेती होगी, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो किस तरह के फसलों की खेती होगी, एरिड क्लाइमेट है और टेम्परेट रीजन है, तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन डिसाइड करती है कि किस तरह की एग्रीकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन वहाँ पर संभव है। उसी तरह से क्लाइमेट का असर इंडस्ट्रीज़ पर पड़ता है कि किस तरह की इंडस्ट्रीज़ का किस तरह के क्लाइमेट के लिए सूटेबल होंगी। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो ये सब टेम्परेट क्लाइमेट के लिए सूटेबल होती हैं, है ना। लाइवलीहुड
ऑफ द इनहैबिटेंट्स, और जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका जो जीवन निर्वाह कैसे होना है वो भी क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। मीन्स किस तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पर डिपेंड होकर के किस तरह से वो अपना जीवन निर्वाह करेंगे, ये भी काफ़ी हद तक क्लाइमेट द्वारा प्रभावित होता है। वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, मैंने बताया आपको कि ये शॉर्ट टर्म फेनोमिना है। क्लाइमेट जो है बहुत लंबे समय के बाद बदलता है। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो वेदर कंडीशन को मॉनिटर करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको रिकॉर्ड करना पर डे कितनी सन, मतलब कितना पर डे, जैसे आज कितनी सनलाइट इंटेंसिटी थी, कितने ड्यूरेशन के लिए थी, नाइट की लेंथ कितनी थी, डे की लेंथ कितनी थी, रेनफॉल थी या नहीं, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितनी थी, टेम्परेचर कितना था, नाइट का टेम्परेचर, डे का टेम्परेचर, ये सारी पर डे की जो रिकॉर्डिंग होती है ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, वेदर की मॉनिटरिंग करता है, वेदर फॉरकास्टिंग भी करता है ताकि किसानों को कुछ ही दिनों में होने वाले मौसम के परिवर्तन की जानकारी मिल सके, जिस आधार पर वो अपनी एग्रीकल्चर या दूसरी भी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सके। और जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट से संबंधित जो स्टडीज़ हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, वो क्लाइमेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट स्टडीज़ वो इस काम पर ध्यान देता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अगर किसी तरह के क्लाइमेट में कई लंबे समय के बाद आपको बदलाव देखने को मिलता है तो वो किन वजहों से है, वो स्टडी अलग तरह से होती है। तो ये डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में। तो आज का जो ये आपका टॉपिक है क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशन फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्लाइमेट, अलग अलग तरह की जलवायु परिस्थिति हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की कल्टीवेशन को प्रभावित करती है। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर बेस्ड ऑन द टेम्परेचर वेरिएशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मेजर क्लाइमेट। टेम्परेचर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, चार तरह के मेजर क्लाइमेट जो है डिसाइड किए गए हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एरिड क्लाइमेट। ट्रॉपिकल में भी अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स हैं, उसमें भी सब क्लाइमेट्स डिवाइड किए हैं, लेकिन ये मेजर, पूरे अर्थ पर मेजर क्लाइमेटिक जोन जो डिवाइड किए गए हैं वो चार तरह के हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एरिड क्लाइमेट। ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है वहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो करती हैं वहाँ पर मीन जो मंथली टेम्परेचर है, मतलब एक महीने का जो एवरेज मंथली टेम्परेचर वहाँ देखा गया 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, जबकि सब ट्रॉपिकल जो क्रॉप है वो दे कैन टॉलरेट द टेम्परेचर बिलो और अबव द एवरेज टेम्परेचर। मींस जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं उनको एक नॉर्मल टेम्परेचर ही वो टॉलरेट कर सकती है, अबाउट 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड या मैक्सिमम 30 तक, उससे ज़्यादा वो टॉलरेट नहीं कर सकती। एक्सट्रीम हॉटनेस या एक्सट्रीम विंटर्स को टॉलरेट नहीं कर सकती, जैसे कि ट्रॉपिकल क्रॉप्स में, जैसे कि आपकी पपाया हो गई और ये आपका जितनी भी टी है, कॉफ़ी वगैरह है, चाय वगैरह की है ना, जो खेती होती है, कैशिव नट है ये सब, और कोकोनट कल्टीवेशन या पाम कल्टीवेशन है, जितनी भी तरह की ट्रॉपिकल क्रॉप का कल्टीवेशन है ये ज़्यादातर जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकती। बनाना वगैरह है ये पाला नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये गर्मी नहीं, स्कॉर्चिंग हीट नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। जबकि सब ट्रॉपिकल रीजन के में आप आइए तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी फसलें जैसे लीची है, पोमग्रेनेट है, गुआवा वगैरह है, ये सब जो है सब ट्रॉपिकल कंडीशन में बहुत ईजली ग्रो कर जाती है, यानी ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकती हैं, जैसे कि फ्रॉस्ट को भी टॉलरेट कर सकती हैं और एक्सट्रीम हॉटनेस को भी टॉलरेट कर सकती हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जो मूलतः जिनका ओरिजिन ट्रॉपिकल कंडीशन में हुआ है लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल पपाया या बनाना, अगर आप देखें तो हमने अभी कहा कि पपाया ट्रॉपिकल है, पपाया जो है पाला बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बात सही है, लेकिन फिर भी पपाया को हम कहीं कहीं पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी हम इसका कल्टीवेशन देखते हैं,
जहाँ पर कुछ वैरायटी ऐसी हैं या कुछ स्पीशीज़ हैं जो सक्सेसफुली लो टेम्परेचर में भी किसी तरह से सर्वाइव कर जाती हैं और प्रोडक्शन करती हैं, इसी तरह बनाना भी। तो इसी तरह क्रॉप भी कुछ हैं ऐसी जो ओरिजिन उनका भले ही किसी क्लाइमेटिक जोन में हुआ हो पर धीरे धीरे उनकी अडेप्टबिलिटी अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेप, ग्रेप की अगर बात की जाए तो ग्रेप ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी सक्सेसफुली इसका कल्टीवेशन हम देखते हैं, टेम्परेट में भी देखते हैं और सब ट्रॉपिकल में भी देखते हैं। मीन्स ग्रेप एक ऐसी फसल है, क्रॉप है, जिसका एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस कैपेसिटी है। इसी तरह मैंगो, मैंगो मूलतः ट्रॉपिकल है, गुआवा ट्रॉपिकल है, लेकिन फिर भी हम मैंगो का कल्टीवेशन अब सब ट्रॉपिकल रीजन में भी देखते हैं और टेम्परेट रीजन में भी देखते हैं। तो इस तरह से क्रॉप की अडेप्टबिलिटी भी ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रिक्ट है किसी ट्रॉपिकल रीजन के लिए। अब बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ डेवलप की जा रही हैं जो कि किसी एक क्लाइमेटिक रीजन को लेकर के स्ट्रिक्ट ना रहें, वो हर तरह के क्लाइमेटिक रीजन्स में उनका कल्टीवेशन किया जा सके। जैसे एप्पल की कुछ वैरायटीज़ सब ट्रॉपिकल रीजन में भी कल्टीवेट करने की कोशिश की जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन कुछ वैरायटीज़ हैं जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं जितना, क्योंकि उनको चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, उनकी रिक्वायर्ड होती है, मीन्स बिलो -10 डिग्री सेंटीग्रेड उनको अबाउट 100 to 150 डेज के लिए चिलिंग टेम्परेचर चाहिए होता है, तब उनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। इसीलिए टेम्परेट फ्रूट्स जैसे एप्पल, पीच, पियर, प्लम, इनका कल्टीवेशन ज़्यादातर पहाड़ों पर ही होता है या टेम्परेट रीजन में होता है। लेकिन बहुत सी ऐसी वैराइटीज़ हैं ऐसी डेवलप की गई हैं जो लो चिलिंग रिक्वायरमेंट यानी कम दिनों के लिए और कम चिलिंग रिक्वायरमेंट में भी सक्सेसफुली फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर सकती हैं। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स हैं उनकी अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक अडेप्टबिलिटी है। ईच एंड एवरी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैव इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट विच इज़ सूटेबल फॉर दियर ग्रोथ। हर हॉर्टिकल्चरल, चाहे वो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, स्पाइसेस हो, आपके प्लांटेशन क्रॉप्स हो, सभी की अपनी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जो कि उसको उस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन्स में ही मिल सकती है। टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स लाइक एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एलमंड बिकम डॉर्मेंट ड्यू टू शॉर्ट डे कंडीशन इन द रीजन एंड नीड चिलिंग ऑफ वेरियस लेंथ टू ब्रेक डॉर्मेंसी। ये बात मैंने भी बात की कि जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं इनको चिलिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए। डॉर्मेंसी मतलब कि पौधे को फ्लावरिंग फ्रूटिंग इनिशिएट करने के लिए, अगर चिलिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इनिशिएट यानी फ्लावर बड डिफरेंशिएशन नहीं होगा, फ्लावरिंग नहीं होगी और फ्रूटिंग नहीं होगी। फ्रॉस्ट एंड चिलिंग आर हार्मफुल फॉर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स। उसी के कंपैरिजन में फ्रॉस्ट और चिलिंग ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। ऑन दी अदर हैंड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर फाउंड इन एरिड रीजन कॉजेज विल्टिंग, सन स्केल, नेक्रोटिक स्पॉट एंड इवन डेथ ऑफ द प्लांट्स। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोवर नॉट ओनली टू नो द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द रीजन वेयर द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर टू बी ग्रोन बट ऑल्सो द अप्रॉक्सीमेट मिनिमम टेम्परेचर दैट द पर्टिकुलर प्लांट और क्रॉप कैन विदस्टैंड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। कहने का मतलब ये है कि किस तापमान की बेहतर जानकारी होना किसानों के लिए या ग्रोअर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिस जगह वो जिस फसल की खेती करने जा रहे हैं वहाँ पर औसतन कितना मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है, उस अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट करें कि किस तरह की हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को इस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रीजन में ग्रो करना बेहतर होगा और हम सक्सेसफुली उसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। इवन इस लेवल तक की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है कि क्रॉप की हर ग्रोथ स्टेज पे किस तरह का टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और वो टेम्परेचर उस पर्टिकुलर एरिया में उसके लिए संभव है या नहीं, ये सारी जानकारी किसानों या ग्रोवर को होना आवश्यक है। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक फैक्टर है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, जिसका कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप कल्टीवेशन पर बहुत असर पड़ता है। टेम्परेचर के बाद जो नेक्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी। लो ह्यूमिडिटी हैज़ ड्राइंग इफेक्ट एंड इन्हेंसेज वाटर रिक्वायरमेंट वेयर एज हाई ह्यूमिडिटी फेवर्स फंगल डिजीज, टेस्टलेसनेस एंड लो कीपिंग क्वालिटी। मीन्स हाई ह्यूमिडिटी
अगर होगी सॉरी लो ह्यूमिडिटी होगी तो उसका ड्राइंग इफेक्ट देखने को मिलता है, मींस पौधों में ड्राइनेस यानी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बड़ी जल्दी विल्ट करते हैं, ड्राई करते हैं और उनकी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वेयर एज हाई ह्यूमिडिटी, अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होगी तो बहुत ज़्यादा जो पैथोजेनिक अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, फंगल डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से पौधे में या फ्रूट में वाटर का कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट की क्वालिटी लो डाउन हो जाती है, फ्रूट का टेस्ट कम हो जाता है, सो शुगर कंटेंट जो है वो कम हो जाता है। हाई ह्यूमिडिटी आर फेवरेबल फॉर सपोटा, बनाना, मैंगोस्टीन, जैक फ्रूट, ब्रेक फ्रूट। हाई ह्यूमिडिटी सपोटा, चीकू और बनाना, मैंगोस्टीन, जैक फ्रूट, कटहल, ब्रेड फ्रूट, इस तरह की फसलों के लिए हाई ह्यूमिडिटी फेवरेबल है। लो ह्यूमिडिटी सूटेबल है बेर के लिए, ग्रेप के लिए, डेट पाम, पोमग्रेनेट, सिट्रस, आंवला, ग्वावा, ये सब फसलें जो है लो ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट इनको होती है। तो ये जो क्रॉप वाइज ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट है ये भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे ग्रेप की बात की जाए, हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन में अगर हम ग्रेप का कल्टीवेशन करते हैं तो वहाँ पर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ का अटैक हम ग्रेप में देखने को मिलता है। द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी अफेक्ट द जूसीनेस ऑफ फ्रूट्स विच इज़ ऑब्जर्व्ड इन अंबिया बहार फ्रूट्स ऑफ मंदारिन। हाँ, सिट्रस में एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का इफेक्ट बहुत देखने को मिलता है, कि जो अंबिया बहार का फ्रूट है, अंबिया बहार सीज़न का, मंदारिन का, संतरे का, वो ज़्यादा जूसर होता है, जूसी होता है एज़ कम्पेयर टू मृग बहार फ्रूट ऑफ मंदारिन, एंड दिस इज़ प्रोबेबली ड्यू टू ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन ऑफ द ब्रोथ बहार। यानी दोनों जो फ्लावरिंग सीजन है, दोनों बहार सीजन्स हैं, उसमें ह्यूमिडिटी के जो वेरिएशन की वजह से ये देखने को मिलता है कि जो अंबिया बहार के टाइम का जो फ्रूट है, यानी जो फरवरी मंथ में जो फ्लावरिंग आती है, वो उस फ्लावरिंग से जो फ्रूटिंग होती है वो उसमें वो ज़्यादा जूसी होता है एज़ कम्पेयर टू जो मृग बहार, यानी बरसात में जो फ्लावरिंग होती है उससे जो फ्रूटिंग होती है उसमें प्रोबेबली जूसीनेस कम होता है। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन है रेनफॉल। रेनफॉल का जो असर है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप कंडीशन कल्टीवेशन में। वाटर रिक्वायरमेंट जो है ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इज़ डिपेंडेंट ऑन सॉइल टाइप एंड इवेपोट्रांसपिरेशन रेट। किस हॉर्टिकल्चर क्रॉप को कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कंडीशन कैसी है और इवेपोट्रांसपिरेशन रेट, और इवेपोट्रांसपिरेशन रेट डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पर। फॉर क्रॉप प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड रेन्स मेनली कन्फाइंड टू जून टू सेप्टेम्बर। ज़्यादातर रेन, अगर इंडिया में अपनी बात की तो ज़्यादातर रेनी सीज़न जो होता है वो जून टू सेप्टेम्बर तक आपको अच्छी बारिश देखने को मिलती है। देयर बाई फ्रूट कल्चर इन इंडिया एंड हैज़ टू सपोर्टेड बाई इरीगेशन, और बाकी टाइम पर आपको सप्लीमेंट्री इरीगेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इरिगेशन फैसिलिटी और रेनफॉल कंडीशन के आधार पर हम क्रॉप को चॉइस करेंगे कि किस तरह की क्रॉप किस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रीजन के लिए सूटेबल होगी। जो हाई वाटर रिक्वायरमेंट या हाई रेनफॉल रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप हैं उनको हम हाई रेनफॉल वाले रीजन में ही कल्टीवेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम दूसरे रीजन में भी कर सकते हैं जहाँ रेनफॉल ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर आपको वहाँ पर आर्टिफिशियल इरिगेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। Excessive rains occurring in short periods are generally unfavorable to fruits and it leads to water logging. बहुत ज़्यादा rainfall भी harmful होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे fruit crops हैं जो water logging condition tolerate नहीं कर सकते। जैसे papaya, banana की बात की जाए तो papaya, banana high humidity की requirement होती है, इनको water चाहिए, मीन्स सॉइल जो है मॉइस्ट होनी चाहिए, पर सॉइल वाटर लॉक नहीं होनी चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होना चाहिए, जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ रूट रॉट डिजीज़ हो जाती है। तो ये अल्टीमेटली जो है पौधे को जो है उसकी उत्पादन को प्रभावित करता है। रेनफॉल का ये भी असर देखने को मिलता है कि जैसे ब्लूमिंग टाइम पर, फ्लावरिंग पीरियड पर अगर रेनफॉल हो जाती है तो पॉलन ग्रेन्स और पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन ये सारी एक्टिविटीज़ प्रभावित होती है। प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो पाता, पॉलिनेटिंग एजेंट्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो फ्लावरिंग और पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन के टाइम पर रेनफॉल का होना भी बहुत हद तक
उत्पादन को प्रभावित करता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। तो इस पर भी जो है ध्यान देना होता है कि किसी की हमारी जो क्रॉप है उसका जो फ्लावरिंग टाइम है वो हाई रेनफॉल टाइम पीरियड से कॉन्साइड ना करें। इन लो रेनफॉल रीजन कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ एडिक्वेट एंड चीप इरीगेशन फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल। जो लो रेनफॉल रीजन्स हैं या एरिड रीजन्स की हम बात करें या ड्राईलैंड रीजन्स की अगर बात करें, तो वहाँ पर जो हाई वाटर रिक्वायरमेंट वाली फ्रूट क्रॉप का कल्टीवेशन डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इरीगेशन प्रोवाइड करना होगा। तो इसलिए वहाँ पर हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो लो वाटर रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप का कल्टीवेशन कर सकते हैं, जैसे बेर केर है, खजूर है, फालसा है, पोमग्रेनेट है, आंवला है, ये सब फसलें कम इरीगेशन की इनको रिक्वायरमेंट होती है, हार्डी होती हैं, तो इनका कल्टीवेशन हम एरिड रीजन में हम इन क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर सकते हैं। विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्लांट ग्रोथ। हवा, विंड वेलोसिटी, ये भी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, और ये इनडायरेक्टली ये सॉइल के मॉइस्चर को भी प्रभावित करती है। जितनी ज़्यादा विंड वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा सॉइल से, उतनी ही जल्दी जल्दी हमें इरीगेट करना पड़ेगा। विंड में टेम्परेचर कैसा है, मीन्स हॉट विंड है या कोल्ड विंड है, इसका भी असर पड़ता है। जैसे हॉट विंड एट द टाइम ऑफ ब्लॉसमिंग, फ्लावरिंग के टाइम पर अगर हॉट विंड चल रही है तो बहुत सारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित होती हैं। एक तो वाटर की रेट तो एब्जॉर्प्शन रेट तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही पॉलिनेशन जैसी प्रोसेस वो फेल हो जाती है, क्योंकि स्टिग्मेटिक फ्लूड फ्लावर में जो स्टिग्मा होता है उसमें जो फ्लूड होता है वो ड्राई हो जाता है। पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से जो है ऐसी जगहों पे फिर हमें फसलों को बचाने के लिए, तेज़ हवा से बचाने के लिए हमें विंड ब्रेक्स या शेल्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विंड की डायरेक्शन और वेलोसिटी का भी बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर, मैकेनिकली और फिजियोलॉजिकली भी। मैकेनिकल इफ़ेक्ट ये देखने को मिलता है कि फ्लावर का पॉलिनेशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, सीड डिस्पर्सल पर पड़ता है, टीयरिंग ऑफ लीव्स, लॉजिंग ऑफ प्लांट्स, फ्रूट ड्रॉप, अपरूटिंग ऑफ प्लांट, मीन्स बहुत तेज़ है तो पौधे उखड़ भी जाते हैं, शैलो रूटेड जो प्लांट है, तो इन सारी चीज़ों पर बहुत तेज़ हवा का प्रभाव देखने को मिलता है। जनरली आप देखते हैं पौधे ज़्यादातर गिर जाते हैं, लैग डाउन कर जाते हैं, जिनकी जड़ें गहराई पर नहीं होती हैं, शैलो रूटेड होते हैं। फलों का गिरना, तो ये सब जो है विंड के निगेटिव इम्पैक्ट हैं अगर बहुत तेज़ विंड है तो। इसी तरह फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट मैंने बताया कि ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा, प्लांट डेसिकेट करेगा, लीव ड्राई हो जाएगी, विल्ट करेगी, प्लांट हाइट रिड्यूस कर जाएगी, सेल इलॉन्गेशन या दूसरी हार्मोनल एक्टिविटीज़ भी, इस पौधा पूरी तरह से स्ट्रेस में रहता है तो हार्मोनल एक्टिविटीज़ भी हैम्पर करती हैं। तो ये विंड के इफ़ेक्ट भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप कल्टिवेशन में देखने को मिलता है। सनलाइट नेक्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर है। सनलाइट का जो असर है हॉर्टिकल्चर क्रॉप कल्टीवेशन में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट एक्सपोज टू लाइट आर फाउंड बेटर इन क्वालिटी एज कम्पेयर टू दोज रिसीविंग लेस सनलाइट। एक्चुअली सनलाइट के तीन फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं, एक सन की इंटेंसिटी वो भी प्रभावित करती है, दूसरा सनलाइट कितनी देर के लिए अवेलेबल है यानी फोटो पीरियड की जो कंडीशन है वो। तो फोटो पीरियड और सनलाइट इंटेंसिटी ये दोनों जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप कल्टीवेशन को प्रभावित करती है। अगर इंटेंसिटी की हम बात करें तो आप देखते हैं कि पौधे के जिस हिस्से पर ज़्यादा सनलाइट की इंटेंसिटी पड़ती है, मीन सनलाइट जहाँ पर ज़्यादा इंटेंस होती है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ फ्लावरिंग फ्रूटिंग आप ज़्यादा देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो का प्लांट है, तो आप देखिए मैंगो के प्लांट में जो आउटर पोर्शन है, जो आउटर कैनोपी है, वहाँ पर फ्रूट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इनर पोर्शन, अंदर की साइड में, इनर कैनोपी में, क्योंकि इनर कैनोपी में सफिशिएंट सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो सनलाइट की इंटेंसिटी लीफ पर वहाँ कम पड़ती है, तीव्रता कम होती है, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस कम होती है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस कम होती है और अल्टीमेटली फ्लावर और फ्लावर बड डिफरेंशिएशन नहीं होता इनर पार्ट में। तो सनलाइट की पहुँच और उसकी इंटेंसिटी ये भी क्रॉप प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक मैटर करती है।
फॉर एग्जाम्पल इन मैंडारिन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट फ्रूट बॉर्न ऑन द अपर हाफ ऑफ द ट्रीज, वही बात है कि संतरे में भी देखा गया है कि अपर हाफ ऑफ द ट्री, ट्री के जो अपर हाफ का जो हिस्सा है वहाँ पर ज़्यादा लाइट रिसीव होती है, इसलिए वहाँ पर जो है फ्रूट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और फ्रूट में विटामिन सी और शुगर का कंटेंट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू लोअर हाफ ऑफ द ट्रीज। सिमिलरली लाइट की इंटेंसिटी के बाद मैंने बताया फोटो पीरियड भी बहुत असर करता है। फोटो पीरियड मीन्स लेंथ ऑफ सनलाइट अवेलेबल टू दी प्लांट, कितनी देर के लिए पौधे को लाइट अवेलेबल हो रही है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट अवेलेबिलिटी, उस अकॉर्डिंग तीन तरह की फोटो पीरियडिक कंडीशन में डिवाइड किया गया है पौधों को, जैसे लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल प्लांट्स। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी लॉन्ग डे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, अनियन, बीट, रेडिश, स्पिनच, पोटैटो, ये सब लॉन्ग डे, इनको फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डेज की रिक्वायरमेंट होती है, लो टेम्परेचर। शॉर्ट डे प्लांट्स है जैसे स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, क्राइसेंथिमम, पोइंसेटिया, एस्टर, बालसम, साल्विया, ये सब शॉर्ट डे इनको रिक्वायरमेंट होती है, नहीं शॉर्ट डे कंडीशन में भी इनमें फ्लावरिंग ईजिली हो जाती है। कुछ क्रॉप्स ऐसी भी होती हैं जिनमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग के लिए डे लेंथ जो है कोई प्रभाव नहीं डालता, डे न्यूट्रल प्लांट्स कहलाते हैं, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, और बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स हैं, पीपर, कुकुम्बर, स्नैपड्रैगन, मिराबिलिस, ये पीज, जितनी लेग्यूम क्रॉप्स हैं ये सब डे न्यूट्रल होते हैं। तो ये भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस फसल का कल्टीवेशन करने जा रहे हैं उसकी डे लेंथ रिक्वायरमेंट कैसी है, वो लॉन्ग डे है, शॉर्ट डे है, डे न्यूट्रल है, और अगर लॉन्ग डे, शॉर्ट डे है तो हम किस तरह के रीजन में वहाँ पर उसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, मीन्स हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल फैक्टर्स, मीन्स सॉइल की कौन सी कंडीशंस हैं जो कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप कंडीशन कल्टीवेशन को प्रभावित करती हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर इससे रिलेटेड किसी तरह की क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन करिएगा और इसे पूछ सकते हैं, और बाकी के वीडियोस भी कंटिन्यूअसली आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।